हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में, जहाँ पर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ ब्लैकेस्ट नाइट का एक और एक्साइटिंग पार्ट। और इसमें हम देखेंगे कि फ्लैश अगेन किड फ्लैश को ब्लैक लैंटर्न रिंग से सर्वाइव कैसे करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं कीस्टोन सिटी में, जहाँ पर डिगर आता है बूमरैंग के पास और बूमरैंग उसे एक गड्ढे के पास ले जाता है और वो आगे बताता है कि मैं अपने पिता के साथ सुपर स्पीड में यहाँ पर आ गया और मैं उन्हें ठीक करना चाहता हूँ और इसमें तुम मेरी मदद करोगे। और इसके लिए वो उसे ब्लैकमेल करता है। तभी डिगर उसके साथ आनाकानी करने लगता है और इसी बात का फायदा उठाकर वो डिगर को उस गहरे खड्डे में धकेल देता है। और तभी वहां पर एक ब्लैक लैंटर्न उसे देखते हुए आता है, जहां पर वो फियर से भर चुका था। और तभी हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं ब्लैक लैंटर्न कैप्टन बूमरैंग था और वो उसे मार देता है। आगे हम देखते हैं कि वहां पर और भी वैसे लोग मरे हुए पड़े थे, जहां पर नीचे से कैप्टन बूमरैंग कहता है, ये काम कर रहा है सन, मैं अपना ब्लड वार्म होते हुए फील कर सकता हूँ और साथ ही साथ मैं अपनी धड़कन भी सुन पा रहा हूँ। अब बस कुछ और ही बाकी है और मैं फिर से ठीक हो जाऊंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर बैरी एलन लड़ रहा था, जहाँ पर वो कह रहा था, मेरा नाम है बैरी एलन और मैं जिंदा हूँ, इस वजह से मैं खुश हूँ। और वहाँ पर हम देखते हैं कि वो वैली को एक स्ट्रक्चर में बांध कर वहाँ पर उड़ रहा था और वो कह रहा था, वैली पकड़े रखना क्योंकि मैंने इससे पहले कभी उड़ने की प्रैक्टिस नहीं की है, तो जरा संभल कर। आगे हम देखते हैं वहाँ पर सोलो वार, फायर स्टॉर्म, रिवर्स फ्लैश और बार्ट सभी लोग अटैक कर रहे थे फ्लैश और वैली वेस्ट पर। और तभी हम देखते हैं कि ब्लू लैंटर्न सैंड वॉकर गोरिल्लास की फॉर्म क्रिएट करके सोलोवार पर अटैक करता है और वो कहता है कि सोलोवार मर तो चुका था लेकिन वो ब्लैक रिंग के साथ ही वापस आ चुका है। और तभी हम देखते हैं कि वो गोरिल्लास एक नेट का इस्तेमाल करके सोलोवार को कैद कर लेते हैं। आगे बेरी उसे बताता है, मैं हर उस चीज पर बिलीव करता हूँ जो कि सैंड वॉकर ने मुझसे कही थी। उसने कहा था कि रिंग हमें कुछ भी नहीं देती, वो हमसे कुछ भी नहीं कहती जब तक हम खुद की होप और खुद का फेथ इस्तेमाल नहीं करते। और आगे हम देखते हैं कि फायर स्टॉर्म अटैक कर रहा था बैरी एलन और वैली वेस्ट दोनों पर। तभी इसी बात का फायदा उठाकर बार्ट पीछे से आकर वैली की आंखें पकड़ लेता है और कहता है, वैली गेस करो कौन है और मैं तुम्हें एक हिंट भी देता हूँ, जितना तुम मुझसे हेट करते हो उतना ही मैं भी तुमसे हेट करता हूँ। जहाँ पर उसे देखकर बैरी एलन कह रहा था, बार्ट तो मर चुका है और हमें उसके हाथ से वो ब्लैक रिंग निकालनी थी। और तभी वहाँ पर रिवर्स फ्लैश उस पर अटैक करता है, जिसे देखते ही वो कहता है, लेकिन ये डिफरेंट स्टोरी है, ये मर चुका है लेकिन मैं जानता हूँ कि ये रिजरेक्ट हुआ है, इसका कुछ ना कुछ रिलेशन होगा उसके फ्यूचर पॉइंट से, इसकी बॉडी रीएनिमेट की गई है और मैं हमेशा से इसे जिंदा और अच्छी तरह से रखना चाहता था आयरन हाइट्स में। और तभी हम देखते हैं कि आयरन हाइट्स में रिवर्स फ्लैश की बॉडी एक कंटेनर में कंटेन की गई थी, जहाँ पर उस कंटेनर के ऊपर लिखा गया था रिवर्स फ्लैश। और तभी बैरी एलन आगे कहता है, लेकिन मुझे अब भी ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हुआ और इस वजह से वो रिंग मेरे माइंड के थिंकिंग्स को भी स्टॉप कर रही है। आयरन हाइट्स में वहां पर बचे हुए रॉड्स लड़ रहे थे ब्लैक लैंटर्न से, जहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग जख्मी थे, ज्यादातर वेदर विजार्ड और बाकी के लोग, और उन लोगों को लीड कर रहा था कैप्टन कोल्ड। जहाँ पर ट्रिक्स्टर उसे पूछता है कि वो रुक नहीं रहे तो हम क्या करें, जिस पर कैप्टन कोल्ड कहता है, मुझे उनकी नहीं ट्रिक्स्टर बल्कि हमारी परवाह है, और इतना कहकर मेरे मास्टर को बचा लेता है। यहाँ पर कुछ शॉट्स ब्लैक लैंटर्न से लड़ रहे थे, जहाँ पर ट्रिक्स्टर कहता है, क्या तुम्हें पता है कि तुम इनको रोक पाओगे। इस पर एक रॉच कहता है, मुझ पर विश्वास करो, मुझे पता है कि हर एक चीज का खुद का एक मेल्टिंग पॉइंट होता है, और वो इसी के साथ उन लोगों को चला रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बार्ट अभी भी वैली पर अटैक कर रहा था और वो उसी के साथ उसे मेंटली और फिजिकली कमजोर करने की कोशिश कर रहा था, और साथ ही साथ वो अपना हाथ वाइब्रेट करके उसके सीने के आर पार करना चाहता था, लेकिन तभी स्पीड फोर्स की वजह से वो एक अलग ही डायमेंशन में पहुंच जाते हैं। जहाँ पर बार्ट कहता है, मुझे माफ करना, जो भी मैंने कहा वो मैं कहना नहीं चाहता था, इसके लिए मुझे माफ करना। और तभी रिंग इन्फेक्शन डिटेक्ट कर लेती है और उस इन्फेक्शन को एक्सप्लेट कर देती है, और इसी के साथ दोनों ही उस डायमेंशन से बाहर आ जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आयरन हाइट्स में हालात कुछ अच्छे नहीं थे, ट्रिक्स्टर सारे अपनी ट्रिक्स खत्म कर चुका था और यहाँ पर ब्लैक लैंटर्न धीरे धीरे करके बढ़ रहे थे। आगे हम देखते हैं कि वो एक कंटेनर के सामने आकर रुक जाते हैं और वो कंटेनर के अंदर देखने लगते हैं। यहाँ पर ट्रिक्स्टर बताता है कि मेरे पास अपनी ट्रिक्स खत्म हो चुकी है, तो एक रॉज कैप्टन कोल्ड से कहता है कि उन्हें फ्रीज कर दो, जिस पर वो कहता है, नहीं, मेरी गन खाली हो चुकी है, उसमें बिल्कुल भी आइस नहीं बची। और तभी हम देखते हैं कि वो सारे ब्लैक लैंटर्न उस कंटेनर के अंदर देख रहे थे रिवर्स फ्लैश की बॉडी को, जो कि अभी भी उसी कंटेनर में उल्टी लटकी हुई थी। लेकिन इसी के साथ आप लोगों के दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि अगर रिवर्स फ्लैश यहाँ पर है तो जो रिजरेक्ट किया गया है वो कौन है। तो जैसा कि बैरी एलन ने कहा कि ये
उसके फ्यूचर पॉइंट से कुछ रिलेटेड हो सकता है। तो ऐसे ही शायद हमें आगे देखने को मिले कि ये रिवर्स फ्लैश दो दो क्यों है, या फिर शायद ये एक ही रिवर्स फ्लैश हो जो कि अलग अलग टाइमलाइन से बिलोंग करता हो। आगे हम देखते हैं कि कैप्टन कोल्ड उन लोगों को देख ही रहा था कि तभी वहाँ पर वेदर विज़ार्ड कहता है कि ट्रिक्स्टर मुझे नहीं लगता कि वो लोग हम में इंटरेस्टेड है। जहाँ पर कैप्टन कोल्ड कहता है हमें पता भी नहीं और हमें केयर भी नहीं है। उसी तरफ हम देखते हैं कि अभी भी रिवर्स फ्लैश बैरे एलन को मार रहा था और कह रहा था मुझे अपनी होप जल्दी से दो। आयरन हाइट्स में यहाँ पर आइस ग्रेनेड फेंकते हुए वहाँ पर एक आइस रोड क्रिएट करके कैप्टन कोल्ड बचे हुए रॉक्स के साथ बाहर निकलने की तैयारी में था। जहाँ पर वो बताता है कि ये कोल्ड ग्रेनाइड है और इसी के साथ ये पूरी जगह आइसबर्ग में बदल जाएगी, और होता भी ऐसा ही है। यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्लू लैंटर्न फ्लैश का हाथ अब रिवर्स फ्लैश ने पकड़ रखा था अपने मुंह में, और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर पूरी आयरन हाइट्स बर्फ में तब्दील हो चुकी थी, और तभी हम देखते हैं कि रिवर्स फ्लैश भी पूरी तरह से आइस में फ्रीज हो जाता है। और बैरेलन ये देख ही रहा था कि तभी वहाँ पर वेले आकर उसे बताता है कि तुम्हें पता है ना कि हमें बाट पर फोकस करना है, वो अभी भी अंदर है बेरी। बाट ने मुझसे वाइब्रेट के थ्रू बात करने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ मैं समझ नहीं पाया, हम दोनों ही वाइब्रेशन के थ्रू कनेक्ट हो चुके थे। और स्पीड फोर्स ही ऐसी एक चीज है जो कि हम लोगों को कनेक्ट कर रही है। और इतना सुनते ही बैरी और वेली दोनों ही बाट की तरफ बढ़ने लगते है। जहाँ पर वो उसे बताता है तुम्हें सिर्फ वाइब्रेशन की जरूरत है उसके अंदर और बाहर जाने के लिए। जिस पर वो बताता है जब भी मैं वाइब्रेट का इस्तेमाल करता हूँ तब चीजें एक्सप्लोड हो जाती है। इस पर वो कहता है लेकिन हम दोनों ही मुश्किल से एक दूसरे को जानते हैं वेली, जितना मैं उसे जानता हूँ उतना ही वो भी मुझे जानता है, तो मैं बात कहाँ से शुरू करूँ। जिस पर वेली बताता है कि तुम जान जाओगे कि बात शुरू कहाँ से करनी है। और इसी के साथ बेरी बार्ड के साथ वाइब्रेशन के थ्रू कनेक्ट हो जाता है। अंदर हम देखते हैं कि बार्ड कह रहा था नेक्रॉन ने फायर स्ट्रोक मार्शियन मैनहंटर और सुपरमैन को बुलाया है और साथ ही साथ मुझे भी, और मैं अब मर चुका हूँ तो इसका कोई भी फायदा नहीं है। इस पर वो कहता है मैं ये नहीं जानता कि तुमने क्या किया और तुम क्या करने वाले हो, मैं ये भी नहीं जानता कि तुमने क्या सुना, लेकिन मैं तुमसे एक ही चीज कहना चाहता हूँ, तुम्हारे पास अभी भी बहुत सारी मंजिल बची है दौड़ने के लिए। और इतना सुनते ही बार्ड बेरी को हग करता है। इस पर बेरी कहता है तो अब वक्त आ चुका है बच्चे कि हम दोनों यहाँ से बाहर निकल जाए। और तभी हम देखते हैं कि वो ब्लैक लैंटर्न रिंग अपना कनेक्शन खो चुकी थी, और इसी के साथ किड फ्लैश फिर से किड फ्लैश बन चुका था। वापस आते ही बार्ड कहता है ये बहुत वियर्ड था, मैं सब कुछ देख सकता था, तुम दोनों को भी देख सकता था, मैं सब कुछ सुन सकता था जो भी तुम कह रहे थे। इस पर बेरी कहता है तुमने कहा था कि नेक्रॉन कुछ कह रहा है, लेकिन तभी वो देखते हैं कि रिवर्स फ्लैश को, जहाँ पर बेरी एलन ये नोटिस करता है कि उस आइस के ऊपर एक रिफ्लेक्शन है। जिस पर वेली वेस्ट और बार्ड को डाउट होता है कि क्या ये मिरर मास्टर का काम है। जिस पर वो कहता है नहीं ये मिरर मास्टर का काम नहीं है। आगे आयरन हाइट्स में हम देखते हैं यहाँ पर बाकी बचे रॉस आयरन हाइट से बाहर आ चुके थे, और वो आगे बढ़ते हैं कैप्टन बूमरैंग की तरफ। यहाँ पर वो उसे कहते हैं कि डिगर कहाँ पर है। जिस पर वो बताता है हमें अकेला छोड़ दो कोल्ड, मैं उन्हें वापस लाना चाहता हूँ, मेरे डैड को वापस लाना चाहता हूँ, वो वापस आ भी रहे हैं, सिर्फ उन्हें कुछ खाने की जरूरत है। जिस पर वो बताता है वो चीजें वो नहीं है जो कि हम समझते हैं, और जहाँ तक तुम खाने की बात कर रहे हो वो कोई हेल राइजर नहीं है वापस आने के लिए ओवन, तुम समझ क्यों नहीं रहे, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हें कन्विंस करने के लिए कहा गया है, ना ही वो वापस आने वाले है और ना ही उन्हें राइज होने के लिए थोड़े और खाने की जरूरत है, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ खुद को फीड करना चाहता है, समझ गए। और वो आगे कहता है तुमने डिगर जितने ही कितनों को नीचे फेंका। तभी नीचे से आवाज आती है कैप्टन बूमरैंग की, जहाँ पर वो कहता है कोल्ड कहे तुम हो, मेरे दोस्त कहे तुम हो। नीचे देखते हुए कैप्टन कोल्ड अपना सवाल फिर से दोहराता है मैं अभी पूछ रहा हूँ कि तुमने कितनों को नीचे भेजा, चिल्ड्रंस वुमन्स कितनों को। जिस पर कैप्टन कोल्ड कहता है रॉच कभी भी वुमन्स और चिल्ड्रंस को नहीं मारते, पता है ना। और इतना कहते ही वो ट्रिक्स्टर को उसी गड्ढे में गिरा देते हैं। नीचे जाते ही बूमरैंग कहता है डैडी मैं आपके लिए और खाना ले आऊंगा, लेकिन तब तक ब्लैक लैंटर्न कैप्टन बूमरैंग अपने बेटे के लिए ही आगे बढ़ चुका था, और वो अपनी बूमरैंग के साथ अपना हाथ उसके सीने के आर पार कर देता है। और यहाँ से बाकी बच्चे रॉच उस गड्ढे के ऊपर से ये सब देख रहे थे, और तभी एक ब्लैक लैंटर्न रिंग आती है ओवन को फिर से राइज करने के लिए। इसे देखते ही कैप्टन कोल्ड कहता है ये जो भी हुआ इसके लिए वो खुद जिम्मेदार था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बैरी एलन, बार्ड और वेली वेस्ट तीनों ही बढ़ रहे थे नेक्रॉन की तरफ उसे हराने के लिए। जहाँ पर बैरी एलन कह रहा था हम अभी तक गलत दिशा में सोच रहे थे, हम अपने इमोशंस को साइड में रख के उनसे लड़ने जा रहे थे, लेकिन ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, हमें अपना तरीका बदलना होगा उन्हें हराने के लिए। दूसरी तरफ आयरन हाइट्स में अब कैप्टन बूमरैंग फिर से राइज हो चुका था, और तभी हमें आवाज सुनाई देती है बैरे एलन और कैप्टन कोल्ड दोनों की वन बाय वन।
जहाँ पर वो कह रहे थे, कोई फर्क नहीं पड़ता कि लाइफ तुम्हारी तरफ क्या थ्रो करती है, लेकिन जरूरी यह है कि तुम उसमें से रास्ता निकालकर आगे बढ़ जाओ। तब तक दोनों ही बूमरैंग को बाकी बच्चे रॉज ब्लैक लैंटर्न मरता हुआ देख रहे थे। आगे बेरी कहता है कि तुम्हें सिर्फ ये करना है, तुम्हें बाकियों से एक कदम आगे रहना है और हमेशा आगे बढ़ते रहना है। और आगे हम देखते हैं कि वो तीनों ही दौड़ रहे थे और वो कह रहा था, तो अपना हार्ट ओपन करो इस सब के लिए। और अब हम रेस करने वाले हैं डार्कनेस के अगेंस्ट, क्योंकि लाइट अब ग्रो होने वाली है। और यहाँ पर आयरन हाइट्स में कैप्टन कोल्ड कहता है कि ये सब कोल्ड हार्ट के साथ देखना पड़ेगा। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ अगर आपके पास इस वीडियो के अलावा और कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट या फिर इंटरेस्टिंग कॉमिक है तो भी मुझे कमेंट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय द लाइफ, धन्यवाद और जय हिंद।